हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे, गुड्स विलेज रेसिपीज़ पे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, मेथी आलू की। तो ये बाज़ार से आप देख सकते हैं कि मैं मेथी आलू वगैरह सब सामान लेकर आया हूँ। इस सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा मैं क्या क्या काम में लेने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, उसको बनाएंगे हम वही अपने गांव की स्टाइल में। चूल्हे पे बनाई जाने वाली ये सब्जी, सबसे पहले आलू छीले जा रहे हैं। आलू को अच्छे से हम ऊपर से छील लेंगे। सारी सब्जी इसमें डलने वाली है, मेथी, आलू, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। जब तक सब्जियां काटी जा रही है, छीली जा रही है, जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबा के जाएं। तो चल आ जाते हैं अब सब्जी की धुलाई पे। मिर्ची को धो लूँगा मैं। आलू अपने छिलके रेडी हैं। मिर्ची अपने को बड़े बड़े स्लाइस में ही काटनी है। मेथी के पत्ते तोड़े जा रहे हैं, ऊपर ऊपर के पत्ते ही तोड़ेंगे अपन। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्ते हमने तोड़ लिए। अभी पत्ते तोड़ के हम इसको डाल रहे हैं पानी की बाल्टी में, जिससे अगर इसमें कोई किरकिर वगैरह हो तो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी विट्टी लगेगी उस, एकदम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम अदरक लिए और 100 ग्राम मैंने लिया है लहसुन। इसको इमाम दस्ते में डाल के हम बिल्कुल बारीक बारीक कूट लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारीक बारीक बिल्कुल कूट लिया हमने इसको। पहले हम सारे सामान प्रिपेयर कर लेंगे। ये जो मेथी हमने डाली थी, इसको थोड़ी देर हमने पानी में डाल के रखा था, जिससे इसकी मिट्टी वगैरह जो भी इस पर डस्ट वगैरह लगी हुई हो अच्छी तरीके से साफ़ हो सके। अब बाकी सामानों को भी हम वन बाय वन करके सबको एक बार धो लेंगे। ये आलू धुल रहे हैं, ये टमाटर, मिर्ची मैंने पहले भी धो ली थी, एक बार और धो लेते हैं। अब जो मेथी हमने धो के लेके आए थे, अच्छी तरीके से धो ली थी, इसको हम थोड़ा बारीक और कट कर लेंगे, जिससे इसके डंठल वगैरह अपने नहीं आए। ये चूल्हा जलाया जा रहा है। ये सीपड़ी अपनी जिसमें डिश बनने वाली है, पहले अपन इसका पानी सुखा लेंगे। जैसे कि सारे सामान आप देख सकते हैं धुल के कट के सब तैयार है। सबसे पहले अपन इसमें तेल डालेंगे। तीन सौ ग्राम इसमें तेल ले रहा हूँ मैं। इसमें गरम मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। ये अपने लगा दिया जीरे का छौंक।
जीरा जैसे ही हल्का ब्राउन होगा उसके बाद में सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें आलू, क्योंकि आलू थोड़ा हार्ड होता है, जो पहले इसको डालने से थोड़ा पक जाएगा। पूरी सब्जी में पानी भी कहीं पर भी नहीं डलने वाला है। आलू डाले हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हरी मिर्ची जो अपने लंबे लंबे स्लाइस किए थे वो हम डाल लेंगे इसमें। हम राजस्थान के लोग हैं, हम मिर्ची तेज खाते हैं, तो मैं हमने मिर्ची ज़्यादा ही ली है। लाल मिर्ची अगर आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची ना डालें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो अपने इमामदस्ते में बारीक बारीक कूट लिया था, 7-8 मिनट बाद हम ये भी डाल देंगे। टमाटर बारीक बारीक काट लिए हमने, अब टमाटर डाल देंगे इसमें। चूल्हे की आंच पे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। हल्दी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आधा टेबल स्पून, सबसे पहले इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी पहले डालने से कड़वाहट नहीं मारती है और सब्जी अपनी टेस्टी बनती है। नमक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून, 1 किलो मेथी ली थी मैंने और आधा किलो आलू है इसमें। लाल मिर्ची आप टेस्ट वाइज अगर आप तेज खाते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम राजस्थानी लोग हैं, मिर्ची तेज ही खाते हैं। मिर्ची डालने के 5 मिनट 7 मिनट बाद अपन ये जो अपने मेथी के पत्ते तोड़े थे सारे इसमें एक साथ जाने वाले हैं, जैसे कि आप देखते हैं अपने आलू अपने आधे तकरीबन मेल्ट हो चुके हैं। ये मेथी को हमने अच्छे से धो करके बारीक बारीक काट लिया है। चूल्हे की आंच मीडियम फ्लेम पर ही है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें से हम लकड़ी निकाल देंगे जिससे कि कम हो जाए। ऑन ऑफ का तो ऑप्शन होता नहीं इसमें। मेथी डालने के बाद इसको 10 मिनट तक हिलाते रहना है कि ये नीचे चेटे नहीं। 10 मिनट इसको हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि सारी मेथी की सब्जी बिल्कुल सूखने लग गई है। अपने को सूखी सब्जी बनेगी है, पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें। चलिए अब रोटी बनाने के लिए ले लेते हैं आटा। मोटा आटा है ये, मोटे आटे की रोटी अच्छी बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब्जी तो बनके हो चुकी है तैयार, मैं उसको उतार लूँगा। सब्जी बनके रेडी है जी। आ गया आपने गांव का जुगाड़ केलड़ी, इस पे रोटी बहुत ही टेस्टी सिकती है। और चूल्हे की रोटी और केलड़ी का स्वाद तो अलग ही बात है। यहाँ पे रोटी बेली जा रही है, जब तक रोटी बेल रही है सभी से रिक्वेस्ट है भाई लोगों से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
जैसे कि देख सकते हैं आपकी रोटियां सिकना अपनी चालू हो गई है, एक तरफ से सिक चुकी है। मेथी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। अभी नीचे से हम मैं इसमें से थोड़े कोयले निकाल लूँगा, बाकी रोटी इस पे सेकेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि वाह क्या फुटबॉल जैसी रोटी सेकी है, शानदार, देखने में मज़ा आ गया। ये मोटे आटे की रोटी है। ये स्पेशली हमने मोटे आटे की रोटी, आटा है जो मोटा पिसवा रखा है। बिल्कुल फुटबॉल रोटी बनी है। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबा के जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कड़क रोटियों के साथ। अब जो अपने रोटी सेकी उसका टेस्ट लिया जाए। ये आ गई अपनी रोटी, बिल्कुल सूखी सब्जी बनी है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। ये रोटी के ऊपर सर्व की जा रही है। बहुत ही शानदार सब्जी बनी है। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।